हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और को डोमिनेंसी से रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की करता हूं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में मुझे एक सिचुएशन मिलती है जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या है, तो बोलेंगे कि ऑफस्प्रिंग इज लुकिंग लाइक एवरेज ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी कि अगर ना तो अपने वो फादर की तरह दिखता है, ना तो वो अपनी मदर की तरह दिखता है, अगर वो एवरेज ऑफ अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हमने एक प्लांट लिया मिराबिलिस जलापा, यानी कि 4 o'clock प्लांट के अंदर ये देखने को मिलता है। 4 o'clock प्लांट के अलावा अगर मैं क्लास 12 की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेता हूं, तो मेरे पास स्नैप ड्रैगन मेरे पास है, स्नैप ड्रैगन या एंटी रैनम। तीसरा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी की लाइन के अंदर लिखा है पर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो है स्टार्च सिंथेसिस इनटू द सीड ऑफ पी प्लांट। सो स्टार्च सिंथेसिस इंटू द सीड ऑफ पी प्लांट। और चौथा मुझे दिख सकता है एंड्रोलिसियन फाउल के अंदर, एंड्रोलिसियन फाउल के अंदर उसके स्किन कलर का। तो ये चार हमको सिचुएशन मिलता है जिसके अंदर मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मिलने को या देखने को मिल सकती है। क्या होता है ये समझने की जरूरत है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में होता क्या है कि F1 जनरेशन में जो उसका ऑफस्प्रिंग होता है वो आइदर ऑफ पेरेंट्स के बजाय वो एवरेज ऑफ पेरेंट्स होता है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी में F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग था वो आइदर ऑफ पेरेंट्स यानी किसी एक पेरेंट्स की तरह था, यानी जिसका कैरेक्टर डोमिनेंट था उसकी तरह दिखता है। वही आगे चल के अगर हम अभी कंपेयर करेंगे डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड को डोमिनेंसी में, तो हम को डोमिनेंसी में देखते हैं कि दोनों के दोनों जो उसके एलीलिक फॉर्म है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक में क्या है, एवरेज ऑफ पेरेंट्स है, एक में आइदर ऑफ पेरेंट्स है और एक में बोथ ऑफ पेरेंट्स है। तो ये डिफरेंस होता है डोमिनेंसी में और को डोमिनेंसी में और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में। तो अभी बात तो हम किसकी कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की। मैं एक फ्लावर ले लिया हूं स्नैप ड्रैगन और एंटी राइनम का, जिसका एक फ्लावर जो होता है वो रेड इन कलर होता है और दूसरा उसका जो फ्लावर है वो व्हाइट इन कलर है। अगर मान लीजिए मैं रेड इन कलर को कैपिटल आर और व्हाइट इन कलर को स्मॉल आर मान के चलता हूं, तो ये इसका जीन है। हम जीन से पहले क्या बनाते हैं, गैमिट बनाते हैं। तो हम जीन से गैमिट बनाएंगे तो कैपिटल आर गैमिट ये बनेगा और स्मॉल आर गैमिट ये बनेगा। जब हम इन गैमिट का क्रॉस कराएंगे तो ये सिचुएशन मिलेगी कैपिटल आर और यहां मुझे मिलेगा स्मॉल आर। सो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां ना मुझे रेड दिखेगा ना व्हाइट दिखेगा। ऑल फ्लावर आर लुकिंग व्हाट कलर, लुकिंग पिंक, पिंक इन कलर। सारे के सारे फ्लावर मुझे कैसे दिखते हैं, पिंक पिंक दिखते हैं। तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि इसमें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस देखने को मिलती है और इसमें एवरेज ऑफ पेरेंट्स की तरह ऑफस्प्रिंग है। लेकिन अगर फिर से इसका मैं सेल्फिंग करा देता हूं, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर को फिर से अगर सेल्फिंग कराता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है गैमेट बनेगा कैपिटल आर, इधर बनेगा स्मॉल आर और इसका भी गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगर आप इसका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, यहां आप पाएंगे कि इसके जेनोटाइप और फेनोटाइप का सेम रेशियो मिलता है। ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है फेज 2 में। तो जेनोटाइप का रेशियो 1:2:1 का मिलेगा, देख सकते हैं 1:2:1 का। अगर मान लीजिए आपके पास 400 फ्लावर हैं तो 100 रेड मिलेंगे, 200 आपको यानी कि 200 आपको वायलेट मिलेंगे और 100 जो है आपको, सॉरी 200 आपको पिंक मिल जाएंगे और 100 व्हाइट मिल जाएंगे। वैसे ही उनकी जीनोटाइप की भी स्थिति वही मिलती है। सो 1:2:1 का आपको रेशियो मिलेगा।
दिस इज द बेसिकली व्हाट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है, जिसमें तीन चार बातें मुझे याद रखना है। पहले इसका एग्जाम्पल फोरोक्लाव प्लांट यानी कि मिराबिलिस जलापा, स्नैप ड्रैगन यानी कि एंटीराइनम, और तीसरा है स्टार सिंथेसिस इनटू द सीड ऑफ पी प्लांट। होता क्या है, जैसे अगर हम एक गोला यानी कि राउंड और मोर स्टार्च कंटेनिंग सीड लेते हैं और एक रिंकल्ड और लेस स्टार्च कंटेनिंग सीड के लेकर के क्रॉस कराते हैं, तो हम ये देखते हैं कि F1 जनरेशन में उसमें स्टार्च ना तो ज्यादा है ना तो कम है, एवरेज है। तो उस सिचुएशन में वो एक तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा होता है। वैसे इस एंड्रुलिसिन फ्लाउल के अंदर स्किन कलर देखने को मिल सकता है। और एक मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया हूं, मैंने क्या किया है, रेड कलर का एक फ्लावर लिया है और एक व्हाइट कलर का फ्लावर स्नैप ड्रैगन और एंटीनाइनम का लिया है। और मैंने F1 जनरेशन में देखा, ये इसका F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में मैंने देखा कि ऑल फ्लावर आर लुकिंग पिंक इन कलर यानी कि एवरेज ऑफ देयर पेरेंट्स। सो दिस इज अ व्हाट। और यहां ध्यान देना है कि जीनोटाइप और फेनोटाइप का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अगला जो सिचुएशन हमको देखना है वो भी क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन ही माना जाता है, जिसे हम कोडोमिनेंसी कहते हैं। कोडोमिनेंसी में कहानी ये होती है बेटा कि इसमें दो दो एलील्स एक दूसरे को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं तो हमारे बॉडी में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पाया जाता है। इस सिस्टम को डिसाइड करने वाली जो जीन है उसको हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का जीन कहते हैं। इस जीन के तीन पॉसिबल एलील होते हैं, IA, IB और I0। क्या मतलब है तीन पॉसिबल एलील्स का, तो याद करिए अगर जब हम पी के प्लांट के हाइट की जब बात करते थे, हाइट के जीन की बात करते थे, तो उसमें हम कहते थे एक कैपिटल टी है और दूसरा क्या है, स्मॉल टी है। क्योंकि जीन पेयर में पाया जाता है तो कैपिटल टी टॉल को डिसाइड करता था, स्मॉल टी डॉर्फनेस को डिसाइड करता है। तो इस जीन के दो पॉसिबल फॉर्म है, इस जीन के दो एलील्स हैं, लेकिन जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाली जीन है उसके पास दो से ज्यादा एलील्स है, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एक मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। मल्टीपल एलील्स के एग्जांपल में एक एग्जांपल और आता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिर्फ आप इसको याद रखेंगे, बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो कोडोमिनेंसी में सिकल सेल एनीमिया और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का जिक्र होता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल, मतलब इस जीन के दो से ज्यादा एलील पाए जाते हैं। मसला यह है कि इस एलील का अगर पेयर क्रिएट किया जाए, क्योंकि भाई हम जानते हैं जीन भी पेयर में पाया जाता है, क्रोमोजोम भी पाया जाता है और एलील भी पेयर में पाया जाता है, तो इसके जो है कुल 6 पॉसिबल फॉर्म बनेंगे। एक बनेगा IA, I0। ध्यान ये देना है कि IA और IB दोनों I0 के ऊपर डोमिनेंट होते हैं, यानी IO के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। तो एक का बनेगा IA IO, एक बनेगा IA IA, एक बनेगा IB IO, दूसरा बनेगा IB IB और नेक्स्ट बनेगा IA IB और एक नेक्स्ट बनेगा IO IO। ये 6 जो है इसके पॉसिबल जेनोटाइप हैं, जिसमें ये ए ब्लड ग्रुप का जेनोटाइप है, ये बी ब्लड ग्रुप का है, ये ए बी। वास्तव में यही कोडोमिनेंसी शो कर रहा है, क्योंकि जब IA और IB दोनों हमारे ब्लड के ऊपर यानी हमारे RBC के सरफेस पे पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं कि RBC के सरफेस पे ए और बी दोनों टाइप की शुगर बन जाती है। इसलिए ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज द कोडोमिनेंसी। जबकि अगर बी की बात करते हैं तो अगर इन दोनों में से कोई भी अगर जेनेटिक सिचुएशन रहा तो ब्लड ग्रुप उसका बी होगा और उसके आरबीसी के सरफेस पे बी टाइप की शुगर बनेगी, और इन दोनों जेनोटाइप में से कोई सिचुएशन रहा तो उसके आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप की शुगर बनेगी, और लास्ट वाले सिचुएशन में उसके आरबीसी के सरफेस पे किसी तरह की कोई शुगर नहीं बनती। मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इसकी स्टडी सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में किया जाता है। पॉपुलेशन में इसलिए किया जाता है
क्योंकि ये सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम पे पाया जाता है। कहां? सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम पे पाया जाता है। तो अगर सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम पे पाया जाएगा तो मान लीजिए कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो यहां अगर आईए आईए है तो अगर मुझे बी ब्लड ग्रुप को जानना होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए मुझे दूसरी सिचुएशन है आई बी आई जीरो, दूसरे इंडिविजुअल को समझने के लिए करना पड़ेगा। वैसे तीसरे इंडिविजुअल के तीसरी सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी, यानी जब तक पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जानकारी नहीं ले सकते। तो तीन चार इंफॉर्मेशन हमको समझना है कि कोडोमिनेंसी क्या है। कोडोमिनेंसी में दो जो है एलील्स एक दूसरे को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी में अगर दो एलील है तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करता था, दूसरा हाइड हो जा रहा है। यहां ऐसा नहीं है, यहां दो दो एलील्स जो कि एक ही जीन के हैं, एक ही जीन के हिस्से हैं, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सिचुएशन को कोडोमिनेंसी कहते हैं। एक बात को क्लियर आउट कर दें कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइदर ऑफ पेरेंट्स के जैसा होता है F1 जनरेशन में। जबकि अगर बात करते हैं किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जो ऑफस्प्रिंग होता है F1 जनरेशन में वो इंटरमीडिएट टाइप का होता है। ऐसा कोडोमिनेंसी में नहीं है, कोडोमिनेंसी में एक ही जीन के अगर दो एलील या दो से ज्यादा एलील्स हैं तो अगर वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं या दोनों एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, सिचुएशन को कोडोमिनेंसी कहते हैं। ठीक है, तो कोडोमिनेंसी का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है जिसमें तीन एलील हैं जिसके 6 जेनोटाइप पॉसिबल हैं और 4 फेनोटाइप पॉसिबल है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के कितने जेनोटाइप, तो 6 जेनोटाइप होंगे इसके, और इसके अगर फेनोटाइप की बात किया जाएगा तो 4 फेनोटाइप होंगे। तो 4 फेनोटाइप और 6 जीनोटाइप इसके पॉसिबल है, और बात किया जाए तो ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल है और साथ ही साथ इसकी स्टडी पॉपुलेशन में की जाती है। और ये जो जीन है या ये जो एलील है वो सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम पे पाए जाने के चलते ही इसका पॉपुलेशन स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल की स्टडी से इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। अब इससे जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, तो इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन का जिक्र हम आपके सामने करते हैं। जैसे नीट में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं सोच रहा हूं खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं तो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट ना हो पर उससे मिलता जुलता हो सकता है। क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिए एक पेरेंट्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, और एक दूसरा पेरेंट्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो पूछा कि बताइए इस सिचुएशन में अगर ये क्रॉस होते हैं तो इनके बच्चों की कितनी जीनोटाइप और कितने तरह के फेनोटाइप पॉसिबल है, कितने तरह के जीनोटाइप और कितने तरह के फेनोटाइप पॉसिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसका जेनेटिक मटेरियल आई ए और आई बी होगा, उसका जीन आई ए आई बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बात उसने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की किया था, जब बात मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की करते हैं तो उस सिचुएशन में हम हेटरोजाइगस सिचुएशन लेते हैं, यानी कि आई ए और आई जीरो लेंगे। अब इनका गैमेट बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई ए और ये बन जाएगा आई बी, ये बन जाएगा आई ए और ये बन जाएगा आई जीरो। इनका अगर आप पीनट स्क्वायर लेके क्रॉस कराते हैं तो ये हो जाएगा आई ए, ये आई जीरो, ये आई ए और ये आई बी। इस स्थिति में हमको यहां आए आए, यहां आए आयो, यहां आए आई बी और यहां आई बी आयो मिल जाएगा। कहानी क्लियर है? तो अब देखिए इसमें आपको 1-2 यानी कि 50% चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए हो, 25% चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, और 25% चांस है कि क्या हो, उसका ब्लड ग्रुप बी हो। पर क्वेश्चन ने यह नहीं पूछा कि कितने जीनोटाइप और कितने फेनोटाइप। तो आप ध्यान से देखिए, तो इसके तीन फेनोटाइप बने, कितने, तीन फेनोटाइप बने, ए ए बी और बी। लेकिन अगर आप जीनोटाइप की बात करें तो 1-2 ये दोनों जीनोटाइप डिफरेंट हैं, 3 और 4 तो उसके 4 जीनोटाइप बने। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फेनोटाइप इज पॉसिबल, उसने ब्लड ग्रुप नहीं पूछा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हुआ करता था। लेकिन एक स्टेप वो आगे जाके क्वेश्चन पूछ लिया,
सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी. तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.